गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 15, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। टुडे वी विल डिस्कस ग्राफिकल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटिंग डेटा। फर्स्ट इसमें आ जाएगा बार ग्राफ। बार ग्राफ, अब बार ग्राफ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इरेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द सेम बेस लाइन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये वन के लिए किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, ये थ्री फोर मीन्स इक्वली स्पेसिंग बिटवीन देम है। ये आपका क्या हो गया, बार ग्राफ। The most common graphical representation used for the same is histogram. Histogram में क्या आपका, it is the graphical representation of the frequency distribution in form of rectangular with class interval as baseline, equal height proportion to the corresponding frequency such that there is no gap between the boxes. Suppose ये आपकी x axis है, y एक्सिस है, तो सेम वैल्यूज आपकी यहां पर क्या होगा, ये देखो जो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, यहां पर इनका आपका कोई भी गैप नहीं होगा, नेक्स्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर करना था, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। यू कैन सी टेबल ऑफ बार ग्राफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्कूल क्लब। ये बार ग्राफ नया देखो, म्यूजिक क्लब, ड्रामा क्लब, मैथ्स क्लब एक्सेट्रा। ओके, दिस इज द बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। एंड फॉर हिस्टोग्राम यू कैन सी दैट देयर इज नो गैप बिटवीन द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। यू कैन सी किंग साइन, क्योंकि वैल्यू आपकी डायरेक्ट 300 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, दैट्स व्हाई किंग साइन इज हियर। ये देखो, देयर इज कंटिन्यूटी, नो गैप बिटवीन द बॉक्सेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट स्टार्ट योर वर्कशीट वन। वर्कशीट वन क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन ब्लू आर द एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन अ स्कूल। ठीक है, यहाँ गिवन बिलो आर द एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है। देखो फर्स्ट 13, 14 लाइकवाइज, ये आपका टेबल दिया हुआ है। तो आपको इसके लिए क्या बनाना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले टेबल से चेक करेंगे मिनिमम एज कितनी आपकी है, आपकी 12। और इसी टेबल में देखो मैक्सिमम एज कितनी है, दैट इज 15 ईयर्स। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां पर आप क्या करोगे, टेबल बनाइए, यहां पर आप फर्स्ट लिख लीजिए एज, देन टैली मार्क्स, एंड आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आपके दिए हुए हैं 12 मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम 13, 14, 15। ठीक है, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू 12 है और मैक्सिमम 15 है। यही वाली वैल्यूज क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। अब आपको चेक करना है कि 12 कितने टाइम आ रहा है। ठीक है, तो यहां से काउंट करो 12 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। आपका 12 1, 2, 3, 4, 5 और फ्रीक्वेंसी यहां पर आप लिख दोगे 5। सिमिलरली 13 के लिए चेक करते हैं क्या रहा है आपका, 9 टाइम्स। तो आप लिख दोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट हेयर 9। 14 के लिए चेक करेंगे तो 14 आपका रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
12 टाइम्स आ रहा है 14 आपका, तो राइट डियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 15 के लिए चेक करेंगे तो आपका ये कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स 1 2 3 4। तो ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स। क्लियर? यू कैन ऑल्सो टोटल हेयर चेक करने के लिए कर सकते हो, 5 इसको प्लस करना है सबको, 5 प्लस 9 आपका कितना हो गया 14, 14 प्लस 12 कितना हो गया आपका 26, 26 प्लस 4 30। ये आपने फाइनली एक बार चेक भी कर लेना टोटल को, तो ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 एज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। तो ये भी आपका कैसे क्वेश्चन फर्स्ट की तरह, यहां पर भी आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू आप चेक कर लें इसकी, मिनिमम वैल्यू 1 भी नहीं है, 0 है ना, 0 1 2 3 4 आई थिंक 6 आपकी मैक्सिमम है। जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया वैसे ही क्वेश्चन सेकंड होगा। ठीक है, ये आपने कर लेना है। लेट्स ट्राई योर क्वेश्चन नंबर 3। द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ 15 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर द फॉलोइंग, 300, 250, 200, अप टू 250। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑल्सो आंसर। पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, फिर यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले लिख लो मिनिमम वेजेस, ये आपकी है रुपीज 150 और मैक्सिमम वेजेस कितनी है, दिस इज योर रुपीज 350। अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो आप बनाओगे सबसे पहले इसके लिए वेजेस रुपीज में, फिर आप टैली मार्क्स बनाओगे, फिर फ्रीक्वेंसी, ये सेम रहेगा सभी के लिए। तो मिनिमम आपकी 150 है, उसके बाद 200 है, फिर 250 भी है, 300 है और फिर 350। यहां पर आप टोटल कर दोगे। ठीक है, आप देखो 150 कितनी टाइम आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। टैली मार्क बनाए इसके लिए 1 2 3, 200 काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। 250 काउंट करो 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4। सिमिलरली आप 300 के लिए चेक करेंगे वो 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2। 350 के लिए चेक करोगे वो 1 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, टोटल भी कर सकते हो, 3 plus 5 8 8 plus 4 12 12 plus 2 14 14 plus 1 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ वेजेस इन रुपीज। तो रेंज आपके कैसे निकालते थे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी है, 350 माइनस 150, माइनस करो इसको रुपीज 200। ठीक है, फिर आप सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग रुपीज 300। तो देयर आर 2 workers which are getting 300. So the answer is 2 workers. 2 workers who are getting rupees 300 as wages. After that, third part. How many workers are getting the maximum wages? Maximum kitne worker ko mil gaya, sirf 1.
तो आप लिखेंगे वन वर्कर गेटिंग द मैक्सिमम वेजेस. सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्राई करना है इसको. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.